एक बार फिर फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर विवाद शुरू हो गया है। 9 महीने पहले सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। दरअसल हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ज्यूरी के हेड नदव लापेट ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सबके सामने उजागर करने वाली फिल्म को भद्दी और प्रोपेगेंडा पर आधारित फिल्म बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर्स के पक्ष और विपक्ष में आवाज उठने लगी है। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। अनुपम खेर, इसराइल के फिल्म निर्माता नदव लापेट के बयान की निंदा करते हुए अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। अभिनेता ने लिखा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा ही छोटा होता है। इतना ही नहीं, अभिनेता ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते वक्त कहा, हम ज्यूरी हेड और इसराइल के फिल्म मेकर नदव लापेट को सही तरीके से जवाब देंगे। यहूदी नरसंहार सही है तो कश्मीरी पंडितों का पलायन भी सही है। ये टूलिकट गैंग के एक्टिव होने के तुरंत बाद हुआ, लगता है प्री प्लान्ड था। उनके लिए इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। एक यहूदी समुदाय से आने वाले जिसने प्रलय का सामना किया, उसने ऐसा बयान देकर उन लोगों को भी पीड़ा दी है जिन्होंने कई साल पहले इस त्रासदी को झेला था। ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे ताकि वो हजारों लाखों लोगों की त्रासदी का इस्तेमाल अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ना करें। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर IFFI ज्यूरी हेड के पक्ष में सामने आई हैं। अभिनेत्री ने द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान को शेयर करते हुए लिखा, जाहिर तौर पर ये दुनिया के लिए बहुत स्पष्ट है।